please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. जर्जर पड़ी सड़कें और ना ही है बिजली की कोई सही व्यवस्था। सिक्योरिटी के नाम पर यहां पर अगर कोई मौजूद है तो वो है सिर्फ 20 सुरक्षाकर्मी। 102 एकड़ में फैली हुई इस सोसाइटी में रहते हैं 450 परिवार और लगभग 1500 लोग। सोचिए ये 20 गार्ड इनकी क्या सुरक्षा कर पाएंगे। सब लोग पैरामाउंट की इस सोसाइटी में भगवान भरोसे रह रहे हैं। आप लोगों को यहाँ पे क्या क्या परेशानी आ रही है? हमें बहुत परेशानी है, जब भी हम लोग कहीं जाते हैं तो बच्चे सुरक्षित नहीं है, गार्ड जो भी आते हैं तो सबको अंदर भेज देते हैं। ये नहीं सोचते कि पहले हम लोग को बताएं। अब पहले इन्होंने कहा था कि जब भी कोई आएगा तो इससे पहले हम इंटरकॉम में बात करेंगे, लेकिन लोग कोई सारे गार्ड सोते रहते हैं, कोई सुरक्षा नहीं यहाँ पे, सुरक्षा के मामले में बिल्कुल जीरो है पैरामाउंट। पैरामाउंट ने अपनी वेबसाइट पर दावा किया है कि गोल्फ कोर्स फॉरेस्ट में विला बनकर बिल्कुल तैयार है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। जो फ्लैट बनकर तैयार है उनकी दीवारों से सीमेंट झड़ रहा है, बाथरूम में नल निकल रहे हैं और किचन में जो वुडन वर्क है वो खराब पड़ा है। आज की स्थिति यह है कि अगर मैं इसमें और इसको ठीक ठाक कराऊं तो 5-7 लाख रुपए कम से कम और लग जाएंगे, तब ये सही होगा। प्लास्टर सारा खराब है, जगह जगह झड़ रही है और सारा पेंट झड़ रहा है जगह जगह से। और दूसरी बात यह है कि जो उसके बाद मैंने 1-1.5 लाख रुपए इसकी सिक्योरिटी के लिए भी लगाया, क्योंकि सिक्योरिटी की उचित व्यवस्था नहीं थी इसमें। एशिया की सबसे पॉश सोसाइटी बताकर पैरामाउंट ने अपने गोल्फ फॉरेस्ट में लोगों को महंगे विला बेचे, लेकिन आज यहां पर रह रहे 450 परिवारों को अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी लड़ना पड़ रहा है। यहां पे ना सीवेज की कोई व्यवस्था है, ना सड़कों पर लाइट की, सड़कों पर कुत्ते घूमते रहते हैं और लोगों की व्यवस्था सिक्योरिटी भगवान भरोसे। सच बताऊं तो यहाँ पे 100 एकड़ में फैला हुआ पैरामाउंट का ये गोल्फ एस्टेट किसी अनऑर्थोराइज्ड कॉलोनी से भी ज़्यादा बदहाल है। रियलिटी मीडिया के लिए राकेश सिंह की रिपोर्ट।